बिहार टुडे न्यूज, हम हैं बिहारियों की आवाज। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है, जितने भी लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं उनको मायूसी खाना पड़ सकता है। बात एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव पर आ गई है। लालू प्रसाद यादव दोषी करार हुए हैं डोरंडा केस में, जो अवैध निकासी था डोरंडा केस में, जिसके वजह से सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ट्रांजिट डोरंडा केस को किया था, जिसके वजह से लालू प्रसाद यादव दोषी करार पा गए और 21 फरवरी को फैसला आने वाला है। लालू प्रसाद यादव के साथ 75 लोग और भी हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया है। और मैं बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जब दिल्ली में थे तो दिल्ली से उन्होंने प्लान किया था कि बिहार जाएंगे, इसलिए सबसे पहले बिहार आए थे कि कहीं ना कहीं उनको अंदेशा था कि लालू प्रसाद यादव जी को ये दोषी करार पाए जा सकते हैं, जिसके वजह से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने की कवायद में लग गए थे। और पटना में उन्होंने एक बैठक बुलाई और सभी तरह के जिम्मेवारी जो होते हैं हर कार्यकर्ता को देना शुरू कर दिया था। उन्हें कहीं ना कहीं अंदेशा था कि वो दोषी करार पाए जा सकते हैं, जिसके वजह से लालू प्रसाद यादव ने ये सारी गतिविधि में जो कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है जिसको लेकर कवायद शुरू कर चुके थे। लालू प्रसाद यादव को आज दोषी करार दिया गया है। लालू प्रसाद यादव के साथ 75 ऐसे लोग हैं जिन्हें भी दोषी करार दिया गया है। लालू प्रसाद यादव जी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ थे, लेकिन आपके बीच में जो केस हुआ चारा घोटाला केस में फंसते गए और अंतिम समय में एक बार फिर से उन्हें दोषी करार दिया गया है। अब तो कोर्ट पर निर्भर है कि सजा कितने दिन की होती है, क्योंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा है, जिसके वजह से शायद कोर्ट उन पर निर्णय ले सकती है। लेकिन दरअसल मामला यह हुआ कि आपके 26 साल पुराने चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव समेत 75 दोषी करार हुए, 26 बरी हुए, 6 फरार हैं, 575 की गवाही हुई थी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी माना है। लालू प्रसाद यादव को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। लालू प्रसाद यादव को सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई होगी। लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूरे बिहार के जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं उनमें एक मायूसी नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर उन्होंने कहा था कि सक्रियता राजनीति में दिखाएंगे, राजनीति में सक्रिय तौर पर आएंगे, लेकिन अब ऐसा होना मुमकिन लग रहा है, चूंकि